हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो इसको काजल को मुंह में छाले हो रहे हैं गर्मी की वजह से, पता नहीं, हमने सोचा दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचे हैं अभी ATM। हमारे पास कैश नहीं था तो पहले पैसे निकालेंगे, उसके बाद हमने सिविल हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा, तो फिर देखते हैं आगे। आप हमारे साथ बने रहें। और इसको देखो, एक्साइटमेंट में आके अपनी पर्स की जिप भी तोड़ दी है। इसको बहाना मिल गया दूसरे लेने का। इधर अंदर तो AC लगा हुआ है तो अच्छा लग रहा है, बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी और हमें देखो, हम तो दुपट्टे लपेट के चल रहे हैं। इस लड़की को इसको ATM पे भरोसा नहीं है, कहीं कम पैसे ना दे दे ATM। हॉस्पिटल जाना है हम तो इसको ऊपर, लेकिन नहीं होगा ये ऊपर, नहीं होता, गर्मी बहुत है। मैं कितनी लंबी लग रही हूँ, इतनी वैसे मेरी हाइट है नहीं। हम आए हॉस्पिटल लखनी, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार ऐसा हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे इतनी शांति वाला माहौल दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं ना कोई कुछ। और ये हमारा पेशेंट, पेशेंट जी बोलो आपको क्या हो रहा है? कुछ छाले हुए हैं और ब्लिस्टर बन गया और पता नहीं क्या क्या, डॉक्टर के पास जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं। चलो अंदर घर देखते हैं, कहीं कोई दिख तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिल रहा, बोल रहे 2 बजे तक ही मिलते हैं, अभी लेट हो गया और हम अभी इमरजेंसी। हम यहाँ निराश होकर लौट रहे हैं, हमें डॉक्टर नहीं मिला है तो मैं मर जाऊँगी, अब तो पक्का ही मर जाऊँगी। ये जब भी बोलेगी ना कुछ जहर ही उगलेगी अपने मुँह से, मुझे बोलती है मैं जहर उगलती हूँ, लेकिन ये जहर उगलती। अब हम दिखाते हैं कहीं बाहर कहीं क्लिनिक पे, क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्टर नहीं बोल रहे मंडे को आना, हमें डेली आउट ही नहीं मिलती, तो इसलिए अब मैं यहाँ का हॉस्पिटल दिखाती हूँ पहले। तो यहाँ पर रश ही नहीं है उतना, उतने लोग वगैरह तो नहीं दिख रहे। भाई पहले क्लिनिक को ढूंढते हैं। पहुंच गए हैं अभी स्टेशनरी शॉप पे, यहाँ से हमने लिया था चार्ट, ग्राफ वाला चार्ट, हमारे जूनियर उसने मंगवाया था। आगे फिर देखते हैं कि क्लिनिक ढूंढेंगे मैं उनके लिए। मिल गया है तो हम कर रहे हैं वेट, पहले ये की वारी है, ये दिखाएँ तो उसके बाद चेकअप करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्यों ना इस गर्मी में कुछ ठंडा पिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है हमें। बढ़ने की तरह पता नहीं, ये तो ये ब्लैक ब्लैक कपड़े पहन के आए हैं, इसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो मत, क्या बताएं गाइस। मुश्किल से हमें एक क्लिनिक मिला जहाँ पे हमने मैम का टेस्ट करवाया। देखो लेकिन खाने पीने में बिल्कुल कंटिन्यू उसका क्या रहता है, लेकिन फिर हम वापस जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तब भी हम अगली वाली साइड हैं, इस साइड उतनी थोड़ी मतलब ये धूप नहीं पड़ रही है छाँव में। तो ये हमारा सामान शामान ले लिया, इसकी मेडिसिन, और ये है पाइप, कौन सा चार्ट, हाँ ग्राफ चार्ट लिया है, नेहा ने मंगवाया। ठीक है, आगे जाके थोड़ा सामान और लेना आपको। और ये यहाँ पे हंगरी पॉइंट दिखाया था नीचे, बाहर क्या दिखाया भाई, गेट वन फ्री, लेकिन पता देते नहीं जब हम हैं ना तो बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगती है, लेकिन भाई तो है एक्स्ट्रा चार्जेस, लेकिन अंदर जाके पता नहीं कौन कौन से चार्जेस लगा लगा के हमसे लेते हैं। हमें तो इतनी गर्मी लग रही है, जब छोटे छोटे बच्चे हैं ये, इनको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, आपको दिखा।
टेस्ट के चक्कर में एक दो ये डेली खा लेती है कहीं ना कहीं पे। अंकल अच्छे से डालना, दो भी होंगे तो चल पड़ेंगे हम दो ही। देखो अब बोरी बोलते मेरी चप्पल टूट गई, इसका एक रिकॉर्ड है, आप से भी पूछ सकते हो जो जो इसको जानते हैं। इसकी हमेशा चप्पल रास्ते में टूट जाती है, अगर ना ही भी अभी लेके दोगे ना फिर भी तोड़ ही देगी। तो अभी लड़कियां फ़ोन कर रही हैं, अंदर से हमने पहले बोला उनको कि आ जाओ चलते हैं, वो सोई हुई थी, अभी सब फ़ोन कर रहे हैं हमारे लिए, ये लेके आना वो लेके आना। पूछो इससे, मैं सब चप्पल और सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेटिंग है जो बस की हॉर्न होती है ना, सबसे ज़्यादा ये लगती है ऐसे ही कान के ऊपर। पूछो मत, अब पैर है तो तोड़ने के लिए दिए हुई है ना चप्पल रखने के लिए थोड़ी ना, लेकिन पूछ लेना इसको, अभी भी लेके दोगे ना अभी तोड़ देगी। काजल तो ऐसे ही डर रही थी, बोलती मुझे पता नहीं क्या होगा क्या निकल रहा है। तो वहाँ पे हमें अंदर क्लिनिक में एक आंटी मिली, वो बोलते मुझे भी ऐसे ही निकल रहा है इस लड़की की तरह, वो बार बार दिखा रहे थे। बोलते मैंने सोचा कि मैं दिखा लेती हूँ, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी बन जाएगी। और ये भी सुबह से यही बोल रही थी, बोलते पता नहीं मुझे क्या बन जाएगा, आजकल पता नहीं ना लगता क्या बन जाएगा, इतनी छोटी उम्र में मरने का शौक नहीं है अभी। अभी तो बोल रही है, बोलते मैंने शादी करनी है फिर कहीं जाके, अभी घर बसाना है, हम इसकी शादी में फिर लोग चढ़ाएंगे, बस डिग्री के हमारे 2 साल रह गए फिर तो इसकी शादी होगी। तो गाइस मिलते हैं आपके साथ, अब आगे जाके कहीं थोड़ा हमें और सामान लेना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब है कि अगर कुछ ना भी लो ना तब भी 1000 तो चला ही जाता है, और हम दोनों का खर्चा तो इतना है कि कोई ऐसा हो ना जो अच्छी तरह से मतलब खर्च करता है, वो तो एक मंथ भी चला सकता है आराम से। सोच रहे हैं, बोलते ये डेली डेली लड़के डेली आते हैं, हम रोज आते रहते हैं तभी बोल रहे हैं, बोलते आप डेली आते हैं। वगैरह हैं, लेकिन ये जो मोटी वाली इलायची है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मेरे छोटे भाई बहन को पसंद है। ये था गूंद के तीरा प्राइस 40 था। जिस साल गूंद के तीरे से गर्मी जो होती है टूटती है, जिगर गर्मी टूटती है। मैं इसको बोल रही हूँ कि मुझे एक चॉकलेट का डब्बा देखे दे, लेकिन ये मुझे पूरी नहीं दूंगी। देखा जो गिन्नी दे, एक चॉकलेट का डब्बा दे, गिन्नी और पी रहा है, बहुत कमीनी है, ऐसे कुछ मांगो ये नहीं देती, मुझे तो नहीं देती बाकी को पता। खजूर दिल बधाने घटाने की गल है, हृदय कोई नहीं पड़ता, तो दे ना तो। हमारा से ATM पहुंचे हैं, माजिया ने पैसे डाले थे, उसके पैसे निकालने हैं। मेरा नहीं है, पापा। अभी हम ATM के अंदर हैं और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे AC लगा हुआ है, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। पूछो आपको मैं दिखाऊंगी आज पैसे निकलते कहाँ से। ATM वाले हमें इधर ही रखेंगे, बोली कि पता नहीं क्या कर रही है लड़कियाँ, भरोसा भी नहीं। हम पहुंच गए हैं हॉस्टल, वापस पायल करने वाली है एंट्री, हमें 2 घंटे की मिली थी, लेकिन हम फिर भी जल्दी वापस आ गए क्योंकि हमें ज़्यादा काम तो था नहीं, बस डॉक्टर के पास गए, बाकी जो शॉप वगैरह होते हैं वहाँ पे गए, फ्रूट वगैरह लाए, तो इनफ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं अब आपके साथ दूसरे व्लॉग में। हम गेट क्रॉस करके अंदर आ गए हैं और हो गए अंदर लॉक, ये हमारे हॉस्टल का गार्डन। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और बहुत सारा शेयर कीजिए। बाय बाय।